हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? फिर से संडे और फिर से आपका भाई आपके बीच एक नया व्लॉग लेकर। तो आज का वैसे वीडियो काफ़ी लेट हो रहा है क्योंकि संडे को भी यार इतना टाइम नहीं मिल पाता कि एक फटाफट एक वीडियो बना लें आपके लिए, लेकिन फिर भी टाइम निकाल कर कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में मैं कोई क्रोएशिया या अपने काम के रिलेटेड कोई आपको इन्फो नहीं दूंगा। ये वीडियो का टॉपिक मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मेरे को सजेस्ट किया कि भाई आप अपनी जर्नी बताओ। सद्दाम उनका नाम है, उनका नाम भी लूंगा मैं। काफ़ी अच्छा उन्होंने मेरे को टॉपिक सजेस्ट किया, ठीक है, और मेरे को अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोग मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि यार भाई आपका चैनल, आपका आपके वीडियोस, आपके कंटेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आप जो बताते हैं सब कुछ जेन्यून होता है। आप बाकी यूट्यूबर्स की तरह घुमा फिरा के बातें नहीं करते और हमें जो है अपने घर के अंदर ही आस पड़ोस में ही वीडियो बना लेते हैं, हमें अच्छा लगा। बाकी लोग क्या करते हैं, घूम फिर कर इधर उधर की और ये सब चीज़ें जो मतलब की चीज़ें हैं वो नहीं बताते, बाकी चीज़ें दिखाते रहते। ठीक है, वो अपना अपना सबका अपना अपना नज़रिया है और मेरा है जो भाई मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो शुरू करते हैं। वैसे आज का लोग आप देख ही रहे होंगे कि वीडियो मैं रूम में ही बना रहा हूँ, क्योंकि ठीक है घर में भी अपने पास लोकेशन तो बहुत है। अपना आपने देखा होगा बाहर का हो गया, फिर अपना ये जो डाइनिंग एरिया है वहाँ का वहाँ पे बना लेता हूँ। लिविंग एरिया में कंपाउंड भी आगे पीछे बहुत बड़ा है, ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट टाइम 2011 में सऊदी गया था, 2011 में गया था फर्स्ट टाइम एक वेयर हाउस में मैं एज अ वेयर हाउस क्लर्क ही था। आपको नहीं बताऊंगा कि भाई मैं ये था वो था, जो था वो आपके सामने है। वेयर हाउस क्लर्क था, वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग मटेरियल, लोडिंग और अनलोडिंग, रिसीविंग, डेटा शीट वगैरह बनाना सब कुछ करना पड़ता था। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था सऊदी में। वहाँ पे मैं 2 साल रहा, फिर छुट्टी गया 6 महीने की, फिर वापस आया, फिर 1 साल रहा, फिर वहाँ से मैं एग्ज़िट आ गया क्योंकि वहाँ पे मेरे को अपना स्कोप नहीं नज़र आया। उसमें मैं फर्स्ट टाइम ही गया था इंडिया के बाहर और वहाँ पे मैं कंटिन्यू 2 साल रहा भी। अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस भी मिला कंट्री से बाहर जाने का और वहाँ पे मेरे को रहना, सब कुछ समझ में आया धीरे धीरे। बोलते हैं ना आटे दाल का भाव, समझ में आया सब कुछ धीरे धीरे मैंने वहाँ पे सीखा। वहाँ से फिर मैं छुट्टी आया 6 महीने की, फिर मैं 1 साल और रहा, फिर वहाँ से मैं एग्ज़िट आया। एग्ज़िट आने के बाद फिर मैं घर इंडिया आके साल भर फिर रुका, फिर कोई अच्छी कंपनी के बारे में ढूंढता रहा। फिर मेरे को फाइनली 1 साल बाद एक और अच्छी कंपनी मिली जो एजेंट के थ्रू ही थी। मैं वहाँ पे गया एज अ, जैसे उन्होंने भी हमें यही बोला था कि कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मेंटेनेंस का काम करती है, और जो पढ़े लिखे लड़के या पढ़े लिखे मतलब जो इमिग्रेंट्स हैं उनको ज़्यादा चांस मिलता है इस कंपनी में आगे बढ़ने का। तो हम वहाँ पे आए एज अ ऑलराउंडर मिशन या ऐसे ही कुछ था शायद। तो वहाँ पे आने के बाद जैसे ही हमने वहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन की, हमें पता लगा कि ये कंपनी
प्लांट्स में, जो साबिक और अरामको के प्लांट्स में मेंटेनेंस का काम करती है। तो अब प्लांट्स में क्या सिस्टम होता है कि बगैर वर्क परमिशन के काम स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे उनका एक खुद का सिस्टम है, ये सेफ्टी प्रिकॉशन होता था ये, कि बिना वर्क परमिशन के काम स्टार्ट नहीं होता। उनको वे लोग वर्क परमिट ही बोलते हैं। तो अब ये वर्क परमिट रिसीव करने के लिए उनको वर्क परमिट रिसीवर चाहिए, रिसीवर जो वर्क परमिशन रिसीव करता है और क्लाइंट से और काम शुरू करवाता है। तो इसके लिए उनको पढ़े लिखे बंदों की ज़रूरत होती थी, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम होता था। हमें स्टार्टिंग में ही मौका मिला, मुझे और मेरे मेरे कोवर्कर जितेंद्र को आप जानते हैं, हमें स्टार्टिंग में ही मौका मिला और हमने अपना एग्ज़ाम पास किया। उसके बाद हम सीधा वर्क परमिट रिसीवर बन गए। वर्क परमिट रिसीवर हमने काफ़ी टाइम तक वही काम किया वहाँ पे, वर्क परमिट रिसीवर एज ए, और करते रहे। बहुत से प्लांटों में हमने एग्ज़ाम दिए, हम हर जगह वन बाय वन पास होते गए। हमारा काम अच्छा था, हमें सैलरी भी अच्छी मिलती थी। फिर फाइनली वो टाइम आया जब 2019 में, जब कोरोना ने दस्तक दी थी। तब वैसे सऊदी में हमें कुछ इतना उस टाइम पता नहीं था, और मेरा वेकेशन टाइम हो चुका था। जब मैं जनवरी 2020 में मैं वेकेशन आया था इंडिया फिर से, और मान लीजिए हाँ 2020 जनवरी 30 को मैं घर पहुंच गया था। और जस्ट मेरे आते ही वहाँ पे कोरोना का, इंडिया में कोरोना ने एकदम हालत ख़राब कर दी थी सब लोगों की। तो मैं भी वहाँ पे फंस गया। अनाउंस हुआ कि लॉकडाउन लगेगा 1 दिन का, तो हमें लगा नॉर्मल सी चीज़ है, कोई बात नहीं, नॉर्मल चीज़ें होती रहती है, लगता है खुलता रहता है। शायद कुछ था, 1 दिन का हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने फिर अपने माननीय जो प्रधानमंत्री जी, उन्होंने फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी अनिश्चितकाल की। तो भाई हम लोग इंडिया में फंस गए, लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगते रहे, फ्लाइट्स वगैरह बंद हो गई इंडिया टू सऊदी की, और हम लोग वेट करते रहे कि कब कब फ्लाइट्स खुलेंगी, कब हम वापस जाएंगे। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आया कि अपना वीज़ा भी ख़त्म हो गया। वीज़ा ख़त्म हो गया, कंपनी को ईमेल्स की कॉल किए, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शायद उनको तो लगा कि अच्छा हुआ यार, बंदे कम हो रहे हैं, अपने आप निकल गए, किसी को बुलाना नहीं पड़े। तो यार मैंने 2 साल तकरीबन हम घर पे फंसे रहे। हमें काफ़ी सोचने का मौका मिला कि कैसे गल्फ कंट्रीज़ में ये लोग कैसे करते हैं अपने साथ। मतलब हम किसी कंपनी को अपना बेस्ट देते हैं और वो हमारी परवाह ही नहीं करते। फिर मैंने और जीतू ने डिसाइड किया कि अब गल्फ़ नहीं जाएंगे, अब गल्फ नहीं जाएंगे, अब जाएंगे यूरोप ही जाएंगे, गल्फ में कुछ नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है ना वहाँ पे। वो अपने अपने कंपनी, एक इतनी बड़ी कंपनी, और वो अपने बंदों को वापस नहीं बुलाती यार। हमें बहुत बुरा लगा पर्सनली। डिसाइड किया यूरोप जाएंगे, अब सऊदी में कुछ नहीं है, गल्फ में उनकी तरफ मुंह नहीं करेंगे, अब जाएंगे यूरोप जाएंगे। तो फाइनली हम लोगों ने ट्राई किया। हमारे पास ऑप्शन थे क्रोएशिया के लिए, ठीक है, और रोमेनिया और सर्बिया, ऐसे 3-4 कंट्री के ऑप्शन थे हमारे पास जो नॉन शेंगन है। तो नॉन शेंगन इसलिए चुना हमने कि वीज़ा जल्दी मिलता है और वीज़ा रेशियो बहुत अच्छा है, 99.99% बोल रहे थे लोग तो, और मतलब मतलब वीज़ा लगता ही लगता है। तो हमने चुना क्रोएशिया को इसीलिए क्योंकि क्रोएशिया अपकमिंग शेंगन है और यहाँ का वीज़ा जल्दी लगता है, कंट्री बहुत अच्छी है, ठीक है, और जो शेंगन जोन है वहाँ पे इनके अच्छे बॉर्डर भी लगते हैं और अच्छा इनका लिंक है वगैरह। हमने बहुत जल्दी क्रोएशिया को चुना।
और फाइनली फिर हम लोग क्रोशिया, 4 महीने तकरीबन हमें लगे, 4 से 5 महीने। हमने बहुत पेशेंस रखा, आराम से सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिपेयर किए, सबमिट किए, टाइम पे टाइम टू टाइम हमारा सारा काम होता रहा और फाइनली हम लोग क्रोएशिया आ गए। और यहाँ के हमने आगे का आपको पता है। तो ऐसे ही आप मुझे अच्छे अच्छे यार कंटेंट या टॉपिक सजेस्ट करो दोस्तों, ठीक है। आप सब्सक्राइबर लोगों के, आप लोगों के, सच बोले तो आप लोगों का ही है ये चैनल, आप लोगों के बोलने से ही मैं करूँगा जो है। आप मेरे को बस बताते जाइए और मैं करता जाऊँगा, ठीक है। और भी कुछ अगर कोई कोई भाई बंधु अगर मेरे से, मेरे पास, हाँ मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं यार, उनको मैं वन बाय वन रिप्लाई भी कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइबर लोग जल्दी से जल्दी यार थोड़ा सपोर्ट करो मेरे को और शेयर करो मेरे वीडियोस, ठीक है। लोगों को सजेस्ट करो मेरे वीडियोस, मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करो, कमेंट करो। उससे क्या होगा, सब्सक्राइबर जल्दी आते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे वन बाय वन सबको रिप्लाई करता हूँ, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा सा Q&A वीडियो भी बनाएंगे। उसमें क्या होगा कि सभी भाइयों को मौका मिलेगा क्वेश्चन आंसर करने का, ठीक है। और आप बोलेंगे तो हम कभी लाइव वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन यार इस तरह से नहीं होगा। आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है, और मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा। तो ठीक है भाइयों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।